एक दिन धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने जान बुझ के कमलियां वाला रूप धारण किया ते हाथ विच सोटा फड़ के कुत्तियां दे पिछे पिछे भजन लगे। गुरु जी कुत्तियां वल कदी सोटे मारन ते कदी पत्थर मारन ता गुरु जी नूं इस तरह करदियां देख कई सारे लोग हसन लग पए ते कई जाने आखण लगे कि देखो बाबा मस्ताना हो गया है, बाबा भूतना हो गया है। गुरु जी नूं इस तरह करदियां देख के बड़ी सारी भीड़ गुरु जी दे पिछे पिछे चल पई। तां थोड़ी अगे जा के गुरु जी ने अपने झोले विच कुछ चांदी दियां मोहरां पैदा कीतियां ते उन्हां नूं अपने पिछे वल सुट्टिया। चांदी दियां मोहरां नूं देख के लोकां विच भगदड़ मच गई ते लोकां ने चांदी दियां मोहरां नूं काबू कर लिया। जिहड़े जिहड़े हथ चांदी दी मोहर आई वह अपने घर चला गया ते अद्धी भीड़ बच गई। हुण जिहड़ी अद्धी भीड़ बची हुई सी वह गुरु जी दे पिछे पिछे चलती रही। तां थोड़ी होर अगे जा के गुरु जी ने अपने झोले विच सोने दियां मोहरां पैदा कीतियां ते अपने पछां वल सुट्टणियां शुरू कर दित्तियां। बचे हुए लोकां ने जदों सोने दियां मोहरां देखियां तां उन्हां ने सोने दियां मोहरां काबू करनियां शुरू कर दित्तियां ते जिन्हां जिन्हां दे हथ सोने दी मोहर लगदी जावे वह वापिस अपने घर वल मुड़ जावे। हौली हौली भीड़ घटदी गई ते अखीर सारे जने सोने दियां मोहरां लै के अपने घर चले गए। जदों गुरु जी ने पिछे मुड़ के देखिया तां सारे लोग उत्थों जा चुके सन पर एक आदमी हाले भी गुरु जी के पिछे ही खड़ा सी जिसका नाम भाई लहणा सी। तां गुरु जी ने भाई लहणा जी हुणां तों पुछया कि भाई की तैनूं सोने की कोई भी मोर नहीं मिली जिहड़ा तू हाले भी इत्थे ही खड़ा है। तां भाई लहणा जी ने हथ जोड़ ले ते गुरु जी नूं आखण लगा कि हे जगत कल्याण गुरु जी सारे लोकां दे आपो अपने घर सन ते ओह आपो अपने घर चले गए पर मैं तां निथावां हाँ, मैं कित्थे जावां, मेरा घर तां आप दे कदमां विच है ते मैं जिंदगी भर तुहाडी शरण विच रहना चाहुंदा हाँ। तां गुरु जी ने भाई लहणा जी दे मूहों ये गल सुन के उन्हां नूं अपनी गल वकड़ी विच लै लिया ते आखण लगे कि भाई अज तो बाद तू निथावा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का घर तेरी शरण विच होवेगा ते ओ रब्बी जोत तेरे हिरदे विच टिकेगी। गुरु प्यारियो धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी गुरगद्दी साढ़े दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी नूं सौंपी सी जिन्हां दा पहला नाम भाई लहणा सी। सतनाम श्री वाहिगुरु।